केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को साझा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 70 सालों से अयोध्या में मंदिर निर्माण को भटका रही थी, लटका रही थी। 5 साल राहुल गांधी ने ताने सुनाए, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। सुन लो राहुल, 22 जनवरी 2024 को मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले चरण में भूपेश बघेल का सुपड़ा साफ हो गया है, सट्टाबाजी करने वाली सरकार जा रही है। मैंने तय किया था कि अंतिम दिन ईश्वर साहू के प्रचार करने जाऊंगा। ईश्वर साहू केवल प्रत्याशी नहीं है, न्याय के प्रतीक हैं। ईश्वर साहू ने सरकार के पैसे और नौकरी को ठुकरा दिया, ईश्वर को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। भूपेश काका, आपका समय खत्म हो गया है। भुवनेश्वर के हत्यारों को भाजपा जेल भिजवाएगी। भूपेश सरकार ने दुर्ग संभाग को शिक्षा के केंद्र से सट्टे का केंद्र बना दिया। साझा वालों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। पेंडोल के बाहर भी खड़े हैं वो सभी लोग उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये सारे टीवी वालों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, इधर कहीं घूमते हैं, आज आसपास में ही घूमते हैं वो राहुल बाबा। 2014 से 19 तक मुझे बहुत परेशान किए भैया, आपको मैं सच बताता हूं साझा वालों, बहुत परेशान किए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आज साझा वालों के सामने राहुल बाबा को तिथि बताने आया हूं। राहुल बाबा, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। साझा वालों, अयोध्या में श्री राम का दर्शन करना है ना? अरे जोर से बोलो, कहना है ना? मेरी मातारी माताओं बहनों को अयोध्या में दर्शन करना है ना? खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मैं बताता हूं, नहीं होगा। कमल फूल की सरकार बना दो, 3 दिसंबर को बारी बारी सभी छत्तीसगढ़ वालों को भाजपा सरकार अयोध्या में श्री राम का दर्शन करा दे। माताओं भाइयों बहनों, ये भाजपा की गारंटी है, अयोध्या में श्री राम लल्ला का दर्शन हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को कराएंगे। भाई और बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा पिछड़ा समाज का अपमान करने का, 70 साल से आजादी मिली पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। हमारा साहू समाज, कुर्मी समाज, कई सारे पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने, भाजपा ने पहली बार, जोर से ताली बजाना बाद में, पहली बार देश को अति पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी की मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 303 सांसदों में
करीब करीब 100 सांसद पिछड़ा समाज से